नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम टॉप 30 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके CDP से जो है वो रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। द फॉलोइंग आर द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट, इनको इनमें से किसी एक को छोड़ के सारे जो है वो प्रोसेस है किसके, प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका प्रोसेस नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, गिफ्टेड स्टूडेंट आर, तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि गिफ्टेड स्टूडेंट जो होंगे उनकी जो थिंकिंग होगी वो डाइवर्जेंट थिंकर हम उनको बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच आर द फॉलोइंग इज ऑफ द डेवलपमेंट डिसऑर्डर एक्सेप्ट, तो इसको इसमें से किसी एक को छोड़ के जो है वो क्या है, विकास का जो है वो, मेंटल डिसऑर्डर का जो है वो प्रोसेस है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, आपके पास ऑप्शन नंबर फोर जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट इज द ओपिनियन दैट स्टूडेंट स्टडी हार्ड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये किसके द्वारा जो है वो बोला गया था। तो क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए मोस्लो आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए, टीचर्स एंड स्टूडेंट ड्रॉ फ्रॉम वन अनदर एक्सपर्टीज व्हाइल वर्किंग ऑन द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन डैश क्लासरूम। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू, तो एडजस्टमेंट जो है वो आपके किसके साथ रिलेट करती है, मेंटल डेवलपमेंट से, सोशल डेवलपमेंट से, अचीवमेंट लेवल से, या फिर सोशल स्टेटस से। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए एडजस्टमेंट जो है वो आपकी सोसाइटी से जो है वो रिलेट करती है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर मेनली रिलेटेड टू, तो जो आपके पास एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं विच इज़ रिलेटेड टू मेंटल लेवल, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो इसमें से ही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास द हाइएस्ट नीड ऑफ मोस्लो थ्योरी इज, तो हाइएस्ट जो नीड थी वो क्या थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देखिए, द चाइल्ड करेक्टराइज वाई डिले स्पीच विड्रॉल टेंडेंसीज एंड नॉन कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव स्पीच इज नॉन एज, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्टिज्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, पैडागोजी ऑफ साइंस मीन्स, तो पैडागोजी ऑफ साइंस का जो मीनिंग है वो क्या है, तो पैडागोजी ऑफ साइंस का जो मीनिंग है विच इज ऑल ऑफ द अबव। चिल्ड्रन आर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडर स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड इज स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, तो ये किसके द्वारा जो है वो स्टेटमेंट दी गई थी कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड अंडर द स्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो ये स्टेटमेंट जो है वो पियाजे द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, तो डिसलेक्सिया जो है वो आपका किससे एसोसिएटेड है, रीडिंग डिसऑर्डर से जो है वो एसोसिएटेड है। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी इन ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल, तो मोस्टली जो आपके पास एज ए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है स्टूडेंट की अचीवमेंट लेवल को। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, एन आइडियल टीचर इज वन, तो जो आपका आइडियल टीचर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हु इज़ ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसफर, एज ए गाइड जो वो वर्क करेगा। नेक्स्ट देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सेलिब्रेट डाइवर्सिटीज़, डाइवर्सिटीज़ मतलब विविधताओं को एक क्लासरूम के अंदर जो है वो सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, द मेन पर्पस ऑफ पेरेंट टीचर्स सोशलाइजेशन असेसमेंट, या फिर PTA जो आपकी मीटिंग होती है उसका मेन पर्पस जो है वो क्या है, तो इसका मेन पर्पस होता है इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट द स्कूल फंक्शनिंग, तो स्कूल की फंक्शनिंग में
पेरेंट्स की जो है वो इन्वॉल्वमेंट के लिए पीटीए का और मतलब जो है वो पीटीए जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करना है सभी ने, द मेन स्टेप इज मीनिंग मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग आर। तो मेन स्टेप क्या होगा फॉर द मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग को मैनेज करने के लिए, ये सारे जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ इज चाइल्ड देयर इज रैपिड ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। तो ये क्या होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा उसकी ओनली हाइट और वेट दोनों जो है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, हु इज नॉट ए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, तो इनमें से कौन सा ह्यूमनिस्टिक जो है वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो 20 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी पैवलोव जो है वो ह्यूमनिस्टिक नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, साइकोन्यूट्रिक डिक्वेलेंसी में अक्कर ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से जो है वो अक्कर करती है, तो ऑप्शन नंबर रिप्रेस्ड टेंडेंसीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ द डिसलेक्सिया, तो ऑप्शन नंबर ए अंडर अचीवमेंट ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड आईक्यू, तो इनके बीच में जो रिलेशन लाइज करता है, ऑर्डिनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखिए, हु क्लासिफाइड द ह्यूमन लाइफ इनटू द फोर स्टेजेस फॉर फर्स्ट टाइम, इन्फेंसी चाइल्डहुड एडोलसेंस एंड अडल्टहुड, तो सबसे पहले किसके द्वारा जो है वो इसको ह्यूमन लाइफ को जो है वो फोर स्टेजेस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड रूसो के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किसकी जो है वो स्टडी को बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द बिहेवियर एंड एबिलिटीज फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। नेक्स्ट देखिए, राइट टू एजुकेशन केम इनटू फोर्स इन इंडिया, तो RTE जो है वो कब जो है वो फोर्स में आया था इंडिया के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए 1 अप्रैल 2010 में जो है वो आया था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेबल ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो इनमें से कौन सा जो है वो एक लेबल नहीं है टीचिंग लर्निंग का, तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए डिफरेंशिएटिव लेवल जो है वो सही आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप साथ साथ में भी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर रहे होंगे, और मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है जिसको शिमला से जो है वो रेगुलेट किया जाता है, और हमारे यहाँ टीचिंग एग्ज़ाम से लेकर हिमाचल प्रदेश के सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारी अपनी ऑफिशियल जो है वो प्ले स्टोर ऐप है स्टडी सर्विस के नाम से, सेम लोगो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी रनिंग में जो हमारे बैचेस हैं उसमें TGT की बात करूं तो LT का TGT कमीशन, TGT आर्ट्स और TGT JBT के कमीशन जो है वो हमारे पास रनिंग में है, और अपकमिंग TET की बात करूं इनकी क्लासेस जो है वो TGT की 15th ऑफ दिसंबर से जो है वो स्टार्ट होने वाली है, और अपकमिंग TET जो आपका 2023 के लिए रहने वाला है उसके लिए भी हमारी क्लासेस जो है वो लगभग 15th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है ऑल स्ट्रीम के लिए। चलिए, इन पेडागोजी कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू, तो पेडागोजी के अंदर कंप्यूटर का यूज़ जो है वो किस लिए किया जाता है, तो इसमें से सभी जो है वो इसके ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट देखिए, मैन इज़ वन फ्री वर्ड एवरीवेयर ही इज़ चेंज, द स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय। 29 का जो आपके पास आंसर हो जाएगा ये रूसो के द्वारा जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, एन इफेक्टिव टीचर शुड बी, तो एक इफेक्टिव टीचर्स के लिए क्या जो है वो ज़रूरी है, तो ऑप्शन नंबर 30 के लिए जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, इंड्यूस द स्टूडेंट टू लर्न, ये आपके पास इफेक्टिव टीचर्स की जो है वो मेन रोल होना चाहिए। तो साथ साथ में सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सभी। थैंक यू सो मच।